नमस्कार दोस्तों, ई खबर के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजावत। दोस्तों, आपके जहन में बार बार हिंदी न्यूज पोर्टल कैसे बनाएं, ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कहां से कराएं, समाचार न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस होती है, वेब न्यूज पोर्टल या जो वेब पोर्टल उसमें जनरली वेबसाइट में अंतर क्या होता है। आपने कहीं ना कहीं वेब पोर्टल का नाम जरूर सुना होगा। कई बार वेबसाइट और पोर्टल दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन क्या इन दोनों में कोई अंतर होता है? आखिर वेब पोर्टल क्या होता है, इसका क्या काम है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दरअसल यह एक प्रकार का वेबसाइट ही है, जहां अलग अलग सोर्स से कई सूचनाएं एकत्रित करके सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए यूजर को लॉग इन करना पड़ता है, जिसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप समाचार पोर्टल पर आईडी पासवर्ड लेंगे तो खबरें डाल सकते हैं। यह एक प्रकार का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वेबसाइट होता है, जो किसी विशेष काम के लिए उपयोग होता है। आजकल लगभग हर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में पोर्टल की जरूरत होती है, जिसमें वहां के एम्प्लॉय को एक ही स्थान पर सारी जानकारियां मिल जाती हैं, सूचना एक जगह प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी हॉस्पिटल के लिए पेशेंट पोर्टल बनाया जा सकता है, जिस पर वहां के डॉक्टर्स लॉग इन करके उस हॉस्पिटल के सारे मरीजों की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह एक प्रकार का प्राइवेट पोर्टल होगा, जो सिर्फ उस हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए उपयोग होगा। लेकिन आप तो पत्रकार हैं, ऐसे में आपको चाहिए आपका खुद का न्यूज पोर्टल। इसके अलावा कई पोर्टल पब्लिक पोर्टल्स भी होते हैं, जहां पर कोई भी अपना अकाउंट बनाकर पोर्टल की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है और सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकता है। ज्यादातर पोर्टल किसी विशेष कैटेगरी पर बनाए जाते हैं और यूजर्स को पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी यूजर को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की सूचनाएं और जानकारी दी जाती है। जैसे जॉब पोर्टल, यहाँ पर नौकरी और रोजगार जैसी सूचनाएं यूजर तक पहुंचाई जाती है, लेकिन हर नौकरी की सूचना हर यूजर को नहीं भेजी जाती। यह निर्भर करता है यूजर की योग्यता और उसकी आवश्यकता पर। जब नौकरी जैसे वेब पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहां आप अपना रिज्यूम डाल सकते हैं, अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस और योग्यता की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपके द्वारा दी गई इन सारी जानकारियों के अनुसार आपके लिए योग्य नौकरी की सूचना आपको दी जाती है। इन वेब पोर्टल को डेस्कटॉप, मोबाइल फोन जैसे किसी भी डिवाइस के द्वारा इंटरनेट के जरिए कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वेब पोर्टल के कुछ उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। वेब पोर्टल के कई सारे एग्जांपल्स, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम रोज यूज करते हैं। ऐसे पॉपुलर वेब पोर्टल के कुछ नाम हैं: गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉगर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, नौकरी.com, मॉन्स्टर, ऑनलाइन SBI, UID, आधार, टाइम्स ऑफ इंडिया, 99acres, ekhabar.in, yatra.com। ऐसे सारे पोर्टल आपके यूजर्स को पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे यदि हम गूगल की बात करें, तो यूजर्स के कंट्री, एरिया और पर्सनल सेटिंग के अनुसार सर्च रिजल्ट दिखाता है। और पोर्टल और वेबसाइट में क्या अंतर होता है, ये आपको जानना चाहिए इस वीडियो में। वेबसाइट वर्सेज पोर्टल, जो दोनों के बीच में गैप क्या है। वेबसाइट, वेब पोर्टल कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट इसमें जानकारी, अगर कोई रजिस्टर्ड होता है तो उसमें प्राइवेट जानकारी होती है, लॉग इन करके इसमें बात सारी जानकारियां पब्लिकली रहती हैं। अलग अलग तरह के यूजर्स, उस लेवल के यूजर्स उस लेवल की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट में कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं होती, यहां पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि यूजर्स पोर्टल पर बात कर सकते हैं। वेबसाइट का उद्देश्य किसी कंपनी, प्रोडक्ट आदि के प्रचार के लिए किया जाता है। इसके अधिक से अधिक ट्रैफिक ड्राइव करके उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है, जबकि एक पोर्टल का काम यूजर्स, क्लाइंट, एम्प्लॉय आदि की सुविधाएं प्रदान करना होता है। यानी इसे विशेष ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और उन्हीं के लिए टारगेट किया जाता है। अगर आप मालिक बनकर यानी निवेशक बनकर न्यूज पोर्टल से पैसा कमाना चाहते हैं, तो डिजिटल इंडिया की दस्तक से मौजूदा मीडिया पर एक नया संकट पैदा हो चुका है। प्रिंट मीडिया के पास विज्ञापन का संकट है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास 24 घंटे चैनल चलाने के लिए खबरों का। इन सब पर वर्तमान में वेब मीडिया भारी होता जा रहा है। एक्सक्लूसिव खबरों तक भी पैठ बनाने वाला वेब मीडिया अब प्रभाव के साथ साथ एक उभरता व्यापारिक स्रोत बन चुका है। इसकी भूमिका अगर आप मालिक के तौर पर करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वेब मीडिया से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। खबर की दुनिया में आप चमकता हुआ सितारा भी बन सकते हैं। जैसे जैसे डिजिटल मीडिया की पकड़ भारत के आम जनमानस की रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ रही है, वैसे वैसे वेब पोर्टल का स्तर बदलता जा रहा है। जहां सन 2000
के दशक में वेब मीडिया का कोई परख नहीं थी, कोई जानता नहीं था। आज वही वेब मीडिया किसी भी समाचार संस्थान को चलाने के लिए आवश्यक अंग बन चुका है। यहां तक कि हजारों पत्रकार साथियों की अतिरिक्त आय का कारण भी वेब मीडिया है। नौकरियों पर गहराते संकट के समय में वेब पोर्टल ने समाचार जो पत्रकार हैं उनके जीवन यापन के लिए गंभीर पहल की है। मामूली से निवेश पर आप स्वयं का वेब पोर्टल चालू कर सकते हैं। वेब पोर्टल बनाने में लाखों रुपए नहीं आते, मात्र 10 से 11000 रुपए में आप अपना न्यूज पोर्टल बना सकते हैं, वो भी डायनेमिक। जो भी आप दूसरे के लिए खबरें लिखते थे आप अपने लिए स्वयं के लिए लिखना प्रारंभ करें। स्वयं की लिखी मौलिक खबरों के कारण ही आपके पोर्टल की जनता में पेट बनेगी और यही आय का साधन बनेगा। गूगल एडसेंस से जो भी 6 माह यानी जब भी आप पोर्टल चालू करते हैं एडसेंस मिलना चालू होता है, जो नियमित आय का एक स्रोत बन जाता है। जैसे जैसे आपकी खबरों का दायरा बढ़ेगा आपके पोर्टल के डिजिटल पाठकों की संख्या में भी इजाफा होगा। यही डिजिटल पाठकों का वर्ग आपके पोर्टल को गूगल के माध्यम से निजी विज्ञापनदाताओं के कारण और शासकीय विज्ञापनदाताओं की संख्या बढ़ाकर अपनी आपकी जो नियमित आय है उसको अधिक करेगा। एक निवेश करके आप आसानी से व्यापार कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल बनाकर। उसमें शुरू में निश्चित तौर पर कम आय प्राप्त होती है, लेकिन धीमे धीमे आप आय भी प्राप्त करेंगे और जनमानस के बीच में अपनी पेट भी बना सकते हैं। न्यूज पोर्टल व्यापार शुरू करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। डोमेन, सबसे पहले हमें एक अच्छा नाम सोचना पड़ता है जो किसी अन्य के द्वारा नहीं लिया गया हो। इसे सर्च करके डोमेन नेम खरीदना होता है। डोमेन नेम से तात्पर्य जैसे रहने के लिए एक घर होता है उसी प्रकार उसका पता होता है, उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में आपके आइडिया या कंपनी या वेब समाचार संस्थान का नाम लेना होता है। वेब होस्टिंग, जिस तरह से हम किसी समाचार को रखने के लिए कैरी बैग या बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इंटरनेट पर अपने वेब पेजेस को रखने के लिए हमें वेब स्पेस यानी वेब होस्टिंग खरीदनी होती है। न्यूज वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे कराएं, हर व्यक्ति कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा समझी जाने वाली भाषा का जानकार नहीं होता, इसीलिए आईटी इंजीनियर या कंपनी का चुनाव जो मीडिया पोर्टल बनाती है वहां से न्यूज पोर्टल बनवाकर आप सर्वर चला सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात आती है दोस्तों। वैसे तो न्यू मीडिया का वर्तमान भारत में कोई गाइडलाइन नहीं है, किंतु पीआरबी एक्ट का अनुपालन करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से इसकी मान्यता जरूर लेनी चाहिए। यदि आप प्रेस कार्ड जारी करना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बना सकते हैं। विज्ञापन, कोई भी समाचार संस्थान का बिना विज्ञापन के एक मिनट चलना मुश्किल है। आज माने कि इंडिया में हर पेपर 5 से 10 गुना कम कीमत में बिक रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति वो है विज्ञापन। यदि आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है जिसमें आय के स्रोत की गहराई से समावेश होता है तो निश्चित तौर पर आपका पोर्टल बेहतर मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब करने के बाद कैसे कमाई करें, पैसे कैसे कमाएं, ये मेन मुद्दा है। ये सारे जो प्रक्रिया है न्यूज पोर्टल पर पैसे कमाने के पर निर्भर है। आप बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर हजारों ऐसे तरीके हैं जहां पर पैसा कमाया जा सकता है, किंतु जो टॉप 10 तरीके हैं जिनसे हर व्यक्ति आसानी से पैसा कमा सकता है पोर्टल बनाकर, गूगल एडसेंस, एफिलेट मार्केटिंग, गवर्नमेंट विज्ञापन, प्राइवेट विज्ञापन, पेपर क्लिक यानी कॉस्ट पर क्लिक, पेड कंटेंट यानी आर्टिकल लगाओगे पैसा मिलता है, प्रोडक्ट सेल यानी आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट की सेल कर सकते हो, सर्वे वगैरह करा सकते हो, डाटाबेस जो भी आपके पास है उनकी जानकारी आप दे सकते हो, क्लासिफाइड विज्ञापन और डिजिटल टीआर जो डिजिटल पीआर करते हैं उसके हिसाब से आप पैसा कर सकते हो। ये सब तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारा www.ekhabar.in के कॉन्टैक्ट बॉक्स में जाएं, वहां पे एक फॉर्म दिया गया है उसमें अपनी जानकारियां हमें भरें, आप वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपके सवालों का जवाब जल्दी आपको वहां पर देगी, फोन करके भी आपको दे सकती है। अगर आप न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। ई खबर के संपर्क सूत्र हैं 8871022710 यानी 8877-2710 पर। ईमेल आईडी news@ekhabar.in। आज के जमाने में इस सारा जो पोर्टल चलाने का जो तरीका है बहुत आसान हो गया है दोस्तों। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं सर इसमें खर्चा कितना आएगा, मात्र 10,600 फ्लैट खर्चा है दोस्तों। इसमें पूरा डायनेमिक न्यूज पोर्टल आपको मिल जाएगा, वेब रेस्पॉन्सिव रहेगा। इसके अलावा अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए 2,000 रुपये अधिकतम शुल्क लगता है, वो भी आप करवा सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता। उसके बाद आती है बात की मोबाइल एप्लीकेशन, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी आप दो तरह की होती है, वेब वर्जन जो कि पोर्टल के साथ फ्री मिलता है, लेकिन आप नेटिव एप्लीकेशन चाहते हो तो उसके अतिरिक्त 5,000 रुपये आपको पे करने होते हैं। लेकिन उसके बाद जो बात आती है कि साल भर तो वैसे चल गया लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर आपको देना होता है मेंटेनेंस फीस,
नेक्स्ट ईयर आपको देना होता है डोमेन एंड होस्टिंग रिन्यूअल फीस। इस तरह के दो खर्चे आपको देने होते हैं जिसका 2000 से लेकर 6000 रुपए के बीच में ये खर्चा होता है। आपको बात करके वेब स्पेस और जो भी आपको भविष्य में लगने वाला है उस पर बात की जाती है। अब बात करते हैं कि डे बाई डे हमारे पास खबरें कहां से आए। डे बाई डे खबरें लाने के लिए आप सेकेंडरी टूल जैसे टीवी है, समाचार पत्र है और एजेंसी है, उनका ले सकते हैं सहारा। लेकिन अपनी खुद की खबरों का भी जो भी आसपास घटित हो रहा है उन पर फोकस रहें। साथ ही साथ देश विदेश खेल मनोरंजन व्यापार राजनीति की खबरें अगर आप हमसे कवर करना चाहते हैं तो मात्र हम 3000 रुपए मासिक नॉमिनल शुल्क लेकर आपका पोर्टल 24/7 अपडेट रखेंगे। और साथ ही साथ आपको पूरे SEO और जो भी आपको सोशल मीडिया पर जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी हम मदद करेंगे। दोस्तों मात्र 3000 रुपए मासिक शुल्क पर आप हमसे वेब पोर्टल मेंटेनेंस और अपडेट भी करा सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी न्यूज पोर्टल बना रहा है उसका डोमेन अगर आप मात्र डोमेन हमसे खरीदना चाहते हो तो मात्र अभी ऑफर चल रहा है मात्र 300 रुपए में 1 साल के लिए डोमेन आप बुक कर सकते हो .com पर। इस तरह से आप .com .net .in .org पर अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो और हमसे होस्ट भी करा सकते हो। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको अगर कमाई करनी है, सीरियसली जानना है कि ब्रांड कैसे बनता है, क्योंकि हर एक किसी का आप वीडियो देख रहे होते हैं YouTube पर लेकिन आपको सही जानकारी सही तरीके से देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो बना देता है, कम एक्सपीरियंस होता है, उसके पास टीम नहीं होती, इंडिविजुअल होता है। ऐसी कंडीशन में आपके साथ फ्रॉड होने का भी डर रहता है, इसलिए बहुत परख के, क्योंकि आपका एक पैसा तो आपका बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ आपका समय भी बर्बाद होगा और आपके जो सपने वो चूर हो जाएंगे अगर कोई फ्रॉड आप व्यक्ति आपसे मिल गया। ऐसे में बड़ा वेरीफाई करें, आप विश्वसनीय लोगों से काम करें जो 8 से 10 साल पुराने हैं, जो लगातार लाइव रहकर आपके वीडियो शेयर करते हैं, जिन पर विश्वसनीयता को है, और ऐसे अनजान लोग जो फेस नहीं दिखाते, जो जस्ट कंपनी के सुहाने ऑफर आपको कम पैसे में दे देते हैं, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल काम ना करवाएं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको निर्णय लेना है कि आपको किससे काम कराना है। आज हम इसी बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं और भी अगले वीडियो में बातें करेंगे जो आपको ये बताएगा कि एक अच्छा न्यूज पोर्टल एक्सपर्ट ही आपको एक अच्छा भविष्य दे सकता है। ऐसे में 100-200-500 का जो डिफरेंस है उसको छोड़ दें और एक भविष्य, अच्छा भविष्य अगर आपको अपने न्यूज पोर्टल में ले, ले आगे जाना है, आगे बढ़ाना है, तो ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में सोचना है, ऑनलाइन जो भी अपनी डिजिटल नॉलेज उसको अपने पोर्टल पर कैसे मैक्सिमम दे पाए, कैसे ट्रैफिक आ पाए, इंटरनेट से बहुत सारे चीजों को हम कैसे उपयोग कर पाए, क्योंकि कुछ चीजें दिखती हैं लेकिन बैकएंड में बहुत सारी चीज होती हैं जो आप नहीं जानते। तो आपको पैसे कमाने के चांस बढ़ाने हैं आपको इस पूरे वीडियो को फिर से देखना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए 88-710-22-710 पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजावत आपकी बारीक से बारीक चीज को सुनूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर रेजोल्यूशन दूं। हाँ, कुछ लोग मुझसे सिर्फ जानकारी चाहते हैं या दूसरी कंपनी के होते हैं, वो मुझसे कॉल ना करें क्योंकि इससे मुझे मेरा समय खराब होता है और मैं नहीं चाहता कि किसी कंपनी को असिस्ट करूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी डायरेक्ट यूजर है जो मुझसे काम कराना चाहता है मुझे कॉल करे, मुझसे जानकारी ले, एजुकेट हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कोई भी काम कराएं, पैसा का भी हमारे साथ बहुत इजी है, डिजाइनिंग का भी हमारे साथ बहुत इजी है। हम पहले फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डिजाइनिंग करते हैं, साथ ही साथ उसकी कोडिंग को पूरी तरह से समझने की आपकी हेल्प करते हैं, उस पर खबर कैसे डालें, इन छोटे छोटे असिस्टेंस से डेडिकेटली हमारे पास एक सपोर्ट नंबर है वो आपको शेयर किया जाता है। तो अगर आप वेबसाइट पोर्टल बनाना चाहते हो तो उसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की जानकारी आपको एजुकेट होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। जनरली ये दूसरे लोग नहीं करते, वो एक बार पैसा लेके भूल जाते हैं, लेकिन हम डेडिकेटली आपको सुंदर से सुंदर फ्रंट एंड डिजाइन करके देते हैं और बैक एंड जो यूजर फ्रेंडली होता है, आसानी से सीखा जा सकता है, उसको करके देते हैं, जहां पर आसानी से आप अपने पोर्टल को कम एजुकेशन कम टेक्निकल फ्रेंडली होने के बाद भी चला सकते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छा ट्रैफिक भी कमा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि जब एक बार आप इतना पोर्टल बना लेते हो, डिजाइनिंग बना लेते हो, उसका इतना सारा समय आपने दिया, तो उससे अर्निंग कैसे की जाए, इसके लिए आपको बहुत सारी असिस्ट की जाते हैं, उसके लिए छोटा सा नॉमिनल चार्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप 10 पैसा खर्च करके 20 पैसा कमा रहे हो तो आपको 10 पैसा खर्च कर देना चाहिए, यानी आप मालिक हैं, संपादक हैं, आपको कम पैसे में काम हो रहा है, इसकी दुविधा से बाहर निकलकर आप मुझे कॉल कीजिए 88-710-22-710 पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजावत आपको मदद करूंगा और कमिट करता हूं कि बेहतर से बेहतर ऑफर दूंगा। पैसे में नेगोशिएट मत करो, काम में नेगोशिएशन कभी नहीं होगा। हाँ, प्रोफेशनली अगर आप डील करेंगे, समय से आप फोन अटेंड करेंगे, समय से आप पेमेंट करेंगे, समय से आप हमें डिसीजन लेने के लिए
अगर कोई वेरिफिकेशन है उसको कराने के लिए मदद करेंगे तो आपका 2 से 3 दिन में आपका बेहतरीन न्यूज पोर्टल तैयार हो जाएगा। और जो लोग 10 से 15 दिन आपसे समय मांग रहे हैं वो आपको सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप मुझे डायनेमिक न्यूज पोर्टल बनाने के लिए जिसमें फोटो भी जाए, वीडियो भी जाए, अनलिमिटेड स्पेस हो, मल्टीपल फीचर्स हो, सारा चीज जो आपको दूसरे लोग बार बार रुझान आपका मन ललचाने के लिए ऐसे ऑफर कर रहे हैं उनसे बचे रहें, क्योंकि आपका लाल हरा पीला ये वेब पोर्टल नहीं होता, उसके पीछे जावा स्क्रिप्टिंग कैसी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, बग्स और सर्वर क्या है, एक एक चीज का फर्क पड़ता है। जब आप कहीं से 10-12 हजार रुपए खर्च करके मेरे पास आते हैं तो आपको फिर से 10 से 12 हजार रुपए यानी 10,600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए सोच विचार कर आप काम करें और अपना निर्णय लें। अगर आपको एक अच्छा असिस्टेंस मिल जाएगा, कंसल्टेंसी मिल जाएगी, तो आप बेहतर से बेहतर अपने पोर्टल को आगे चला सकते हैं, अपना डिजाइन अच्छा बना सकते हैं। और जब आपके पास 20-20 साल पुराने एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर, वेब कोडर और डेवलपर काम कर रहे हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी को समझते हैं और डे बाई डे उस लैंग्वेज को समझते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं, मीडिया एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, ऐसे लोगों से काम कराने में आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। दोस्तों कॉल कीजिएगा 88-710-22-710 पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजावत आपकी हर संभव मदद करूंगा। हाँ, एक खास निवेदन है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें और कम से कम मेरा नंबर अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लें, न्यूज पोर्टल एक्सपर्ट दामोदर सिंह राजावत ई खबर के नाम से। तो मैं आपको दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजावत इस बार विशेष के साथ आपको विश करता हूं, दुआ करता हूं कि आप बेहतरीन न्यूज पोर्टल में अच्छा बनाएं, उसे अच्छे पैसे कमाएं और बहुत ऊंचाई तक जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।